हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गरिमा श्रास किचन। फ्रूटी का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है, पर अभी बाहर की कोई भी चीजें नेचुरल नहीं आ रही है, तो क्यों ना बच्चों की फेवरेट फ्रूटी घर पे ही बनाकर उन्हें सरप्राइज दें। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 आम, 1 कच्ची कैरी और शुगर। कच्ची कैरी हम इसलिए लेंगे कि मैंगो फ्रूटी का टेस्ट खट्टा मीठा होता है, तो इसका टेस्ट कच्ची कैरी से भर जाएगा। तो आइए हम मैंगो को छील लेते हैं। आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। अब हमने आम का छिलका उतार लिया है, अब इसके हम पीसेस कर देंगे बारीक बारीक। इस तरह से हम आम को और कैरी को छोटी छोटी पीसेस करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह हम कैरी की भी छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस कर लेंगे। हम कैरी को और आम को अलग अलग भी पीस सकते हैं और एक साथ मिक्स करके भी पीस सकते हैं। मैंने मैंगो और कैरी को एक साथ पीस लिया है, आप इसको अलग अलग भी पीस सकते हैं, आपको जैसी आवश्यकता हो वैसे कर सकते हैं। अब इसको हम पैन में चढ़ाएंगे, गरम करेंगे। आइए अब कैरी और आम का पेस्ट हम इस पैन में डाल देंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं मिलाया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब ये थोड़ा शाइनी टेक्सचर हो जाए, इसका शाइनी लुक हो जाए, तो हम इसमें हम पानी मिला देंगे। इसको धीमी धीमी आंच में इसे पकाते रहेंगे 10 से 15 मिनट। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और इस शाइनी हो जाएगा, ये इसका कलर अलग ही दिखेगा आपको। देख रहे हैं आप, इसका कलर बदल रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब इसका कलर देखिए आप, शाइनी शाइनी सा हो रहा है। हमने 2 आम और 1 कैरी ली थी, उस अकॉर्डिंग हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। हम रुक रुक के पानी डालेंगे। अब इसमें हम 1 बाउल शुगर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और हमने जो पानी लिया था वो भी डाल देंगे। देखो इसका टेक्सचर कितना बदल रहा है, ये शाइनी शाइनी सा हो रहा है। चीनी जब तक घुल नहीं जाए इसको हम हिलाते रहेंगे। अब इसमें हम सिरका डालेंगे 1 चम्मच। सिरका डालने का ये होता है कि हम इसको 10 से 15 दिन स्टोर कर सकते हैं, बट ये इतनी टेस्टी और होगी कि हम इसको स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। बच्चे इसको पीने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो ये वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब ये गर्म हो चुका है, अब 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे जिससे ये नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए। अब इसको हमने पैन से निकाल लिया है, अब इसको नॉर्मल होने के लिए हम इसको अब छान लेंगे। छानने से इसका पल्प और इसके रेशे अलग हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को पीते वक्त बहुत झुंझलाहट आती है कि रेशे बार बार मुंह में आ रहे हैं। आपको अभी मैं दिखाती भी हूं कि देखिए ये रेशे अलग हो जाने चाहिए। इस तरह से ये पल्प और रेशे छानते वक्त निकल जाने चाहिए। अभी हमारी फ्रूटी बनकर, मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हो गई है। देखिए बिल्कुल बाजार जैसा लुक आ रहा है। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपका पेस्ट अगर गाढ़ा हो तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं।
देखिए अब मैं इसको आधा घंटे के लिए या एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी जिससे ये ठंडा हो जाए। अब हमारी फ्रूटी ठंडी हो गई है, इसको हम सर्व करते हैं। सर्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम आइस ना डालें, क्योंकि आइस डालने से ये पतली हो जाएगी तो इसका टेस्ट बिगड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि आप इसको कूल होने पे ही सर्व करें। बाजार की टेस्टी फ्रूटी की जैसे ही लग रही है और बच्चे बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। फ्रूटी बनी है, उनको पीना है। स्ट्रॉ के द्वारा हम इसको सर्व कर सकते हैं। वैसे भी अभी बाजार का फूड अवॉइड करना चाहिए गर्मियों के टाइम, और अभी मीठे मीठे आम आ रहे हैं, तो क्या कहना टेस्टी फ्रूटी। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।